बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ा ये बड़ा खुलासा इस वक्त। लखनऊ में अतीक के नाम पर करोड़ों का कारोबार चल रहा है और ठाकुरगंज, शहादतगंज समेत अन्य जगहों पर यह कारोबार चल रहा है। अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं ये जो जांच है ये चल रही है और पूछताछ भी चल रही है। अतीक अहमद के जो जितने भी करीबी हैं उनके भी उनसे पूछताछ हो रही है। फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं हिमांशु त्रिपाठी। एक बार फिर से हिमांशु जी का रुख करते हैं। हिमांशु जी, एक और बड़ा खुलासा है गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ा। उनकी संपत्ति या उनका जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं लखनऊ में भी कई इलाकों में चल रहा है, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, अतीक अहमद मामले में लगातार योगी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस उसकी कमर और नेक्सस तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले अतीक के मृतक बेटे असद और मोहम्मद मुस्लिम जो अतीक का करीबी है उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद यूपी पुलिस ने एसटीएफ ने मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में ले लिया था, उससे पूछताछ शुरू की गई थी। पूछताछ में इस बात का सामना आ रहा है कि लखनऊ में भी अतीक अहमद का बड़ा नेक्सस था, तमाम लोग उसके नेक्सस से जुड़े होते हैं, या पूरा जो उसका नेक्सस है राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ में चल रहा था, जैसे कि शहादतगंज, बाजार खाला, हसनगंज, जो पुराने लखनऊ के विभिन्न इलाके हैं इसमें इस तरह का नेक्सस चल रहा था। वहीं आपको बता दें, पूछताछ में यह बात शामिल आई है कि मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के नाम पर करीब 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इकट्ठा की थी और तमाम लोग ऐसे हैं जो अतीक के संपर्क में थे। तो लगातार यूपी एसटीएफ मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूछताछ हो रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तमाम सफेदपोश लोगों के भी चेहरे बेनकाब होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, इसमें कई सारे लोगों पर अब गाज गिरने वाली है इस पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं। तो क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, किस किस पर गाज गिर सकती है? क्या पुलिस पर भी कहीं ना कहीं बात आ सकती है कि उनके इस साये में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अतीक इसको करने में काफी ज्यादा सफल रहा, अलग अलग जगहों पर अपने जो इसका बिजनेस है, कारोबार है, उसको बढ़ाने में सफल रहा है? देखिए, अतीक का नेक्सस काफी बड़ा है और उसके नेक्सस के चलते पूरे उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर भी लोग जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ हो रही है तो तमाम राज फौश हो रहे हैं। अभी तो जो जानकारी मीडिया के पास आ रही है उसमें तो यह आया कि बड़ा राज खुलासा हो रहा है और तमाम चेहरे बेनकाब होने की पूरी कयास लगाई जा रही है, पूरी संभावना है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर नाम नहीं है जिसको खुल के मीडिया के सामने पुलिस या अधिकारियों द्वारा रखा गया हो या उस पर गाज गिरेगी। फिलहाल जो अतीक का पूरा नेक्सस है उसको जड़ से खत्म करने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार कोशिशें जारी कर रही है। वही आपको बता दें कि मामले में फरार जो अहम कड़ी गुड्डू मुस्लिम बमबाज है प्रयागराज हत्याकांड का, उसकी और अतीक की पत्नी साहिस्ता की लगातार तलाश की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी दोनों के हाथ पुलिस तक नहीं पहुंच सके हैं। वही आपको बता दें कि दोनों ही इस पूरे प्रकरण की एक अहम कड़ी है जिनके बाद तमाम राज से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो अभी बहुत उम्मीदें हैं कि और कुछ यहाँ पर जो है निकल कर सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं।